अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड में लेसन नंबर 66। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि आप किसी भी फ्रंट एलिवेशन में आप स्टाइलिश विंडो किस तरह बना सकते हो और मुख्तलिफ किस्म के आज हम विंडो बना के आप देखेंगे कि इनमें क्या क्या काम होता है। तो इसके लिए मेरा जो प्रीवियस मैंने काम किया था वो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स ओपन है। हमने पिछले लेसन में हमने गेट बनाया था, आज हमने कुछ विंडोज़ वगैरह डिज़ाइन करनी है। तो विंडो के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ से एल एंटर करो, यहाँ से यहाँ तक ऑफसेट ओ एंटर, 3 फुट का ऑफसेट दे दो इसको, ओ एंटर, 4 फुट की विंडो बना दो फॉर एग्जाम्पल, ऑफसेट ओ एंटर, 3 इंच की ऑफसेट ले लो, टी आर डबल एंटर, टी आर डबल एंटर, या आपने ऑफसेट जो लिया मैंने ज्यादा ले लिया, आप 2 इंच कर लो, ओ एंटर, ऑफसेट को मैं खत्म करता हूँ, 2 इंच का ले लेता हूँ मैं ऑफसेट, ओ एंटर, 2 इंच एंटर, एल एंटर, मिड पॉइंट लें, ओ एंटर, 1 इंच एंटर, खिड़कियां फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसका आर्क में ले लेता हूँ, ए आर सी एंटर, आप इसे ओ एंटर करें, ऑफसेट ओ एंटर, एंटर, 1 फुट का ऑफसेट और दे दें आप यहां से, ये आर सी एंटर, क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट, क्लिक ऑन मिडिल पॉइंट एंड क्लिक ऑन लास्ट पॉइंट। तो जरूरी नहीं है कि आप यही जो है तो जो मैं ये बना रहा हूँ यही बनाएं, आप और भी काफी सारे बना सकते हैं स्टैक। तो ये सिर्फ आपको एक टेक्निक्स देने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, ओ एंटर, 2 इंच एंटर कर लें, सॉरी ऊपर वाले को डिलीट करता हूँ, ट्रिम, टी आर डबल एंटर, जहां जहां से आप चाहें ट्रिम कर लें आप इसको, तो देखें जी हमारे पास एक विंडो तैयार हो गया। अगर आपको ये विंडो पसंद नहीं है, आप चाहते हो इसमें कोई और स्टाइल आ जाए, तो आप इसमें और भी स्टाइल दे सकते हो। तो और स्टाइल के लिए मैं यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल इसके नीचे से लाइन लगाता हूँ फिर भी वो स्टाइल बन जाएगा, एल एंटर कर दो आप यहाँ पे सेंटर में से, ओ एंटर, 1 इंच एंटर, सेंटर से मैंने यहाँ से क्लिक किया, टी आर डबल एंटर, ये भी स्टाइल आ गया। अगर आपने यहाँ पे इसके और भी स्टाइल देने, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ सी पी एंटर, सेलेक्ट करता हूँ इस एरिया को, यहाँ से उठाता हूँ, उठा के यहाँ पे मिड में ले आता हूँ, इस एरिया को इसको सिलेक्ट करता हूँ, एम आई एंटर मिरर करता हूँ, एंटर, टी आर डबल एंटर, सॉरी कंट्रोल जेड, टी आर डबल एंटर, टी आर डबल एंटर,
अब देखिए ये भी एक बहुत अच्छा स्टाइल बन गया। ये भी एक अच्छा स्टाइल बनाया। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे सेंटर से नहीं लिया था, इसलिए इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आपको लग रही होगी। तो मैं सेंटर से अगर लेता तो मेरे पास अच्छा बन जाता। तो मैं यहाँ से इसे दोबारा करता हूँ, सेंटर से ही लेता हूँ। कंट्रोल जेड करता हूँ, एल एंटर करता हूँ सेंटर से। तो ये बिल्कुल मैं सेंटर से इसे काम करूँ, एल एंटर। चूज लिख के, इसी चूज लिख के एल एंटर करें यहां से जी, टी आर डबल एंटर, टी आर डबल एंटर। ओके हमने क्या करना है, यहाँ से इसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ या फिर सी पी एंटर, इस पॉइंट को उठाता हूँ, उठा के यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे ले आता हूँ ताकि बिल्कुल सेंटर में ये चीज़ आ जाए। एम आई एंटर, सिलेक्ट सिलेक्ट राइट क्लिक, आपको सेंटर में जी टी आर डबल एंटर, टी आर डबल एंटर, टी आर डबल एंटर। डिलीट डिलीट। तो ये भी देखें कि स्टाइल बन गया, बहुत अच्छे स्टाइल बन गया। नेक्स्ट यहाँ पे जो विंडो बनाता हूँ उसको भी मैं यही स्टाइल देता हूँ फॉर एग्जांपल, या इसी तरह से कॉपी करके वहाँ मूव कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे मुख्तलिफ स्टाइल की विंडो इसी तरह बना सकते हो। तो ये आई थिंक ये वेंटिलेटर है, तो वेंटिलेटर के मैं क्या करता हूँ, ओ एंटर, यहाँ से मैं एल एंटर करता हूँ, एल एंटर, यहाँ से यहाँ तक एल एंटर किया, ओ एंटर, 2 फुट एंटर, ओ एंटर, 2 फुट एंटर। ओके टी आर डबल एंटर, ओ एंटर, 1 इंच एंटर, एल इंटर, एल इंटर, टी आर डबल इंटर, ओ इंटर, 1 इंच इंटर, अपने क्या करें कंट्रोल सेट, ओ इंटर, 0.6 या फिर आपने वन नहीं कर दो, 1 इंच इंटर, नीचे इसके नीचे कर लो, इसको भी यहां से यहां पे कर लो, टी आर डबल इंटर, ओके। तो मेरा ये भी वेंटिलेटर भी कंप्लीट हो गया। तो ये था जी हमारा, मैं एल एंटर करता हूँ यहाँ से जी, एल एंटर, एल एंटर,
डबल एंटर, टी आर डबल एंटर। ओके, तो ये हमारे पास फ्रंट एलिवेशन कंप्लीट हो गई यहाँ तक। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मैं आपको इसकी इसके ऊपर जो छत होगी वो मैं डालूंगा, और उसके अलावा मैं यहाँ पे इसी पे थोड़ा सा और काम करूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।